यस माय डियर लवली फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आज हमको देखना है इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमको वैल्यू लिखना था न्यूमेरिकल वैल्यू अब अगर हम बोलें कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना बहुत कठिन है मैं रैंक कर सकता हूँ आई कैन रैंक फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आइए जिनको रैंक करना है उनके लिए है इंडिफरेंस कव एनालिसिस अब जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑर्डिनल यूटिलिटी ठीक है टू एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर दिस अप्रोच टू कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। इट इज बिलीव दैट ह्यूमन सेटिस्फैक्शन बींग अ साइकोलॉजिकल फिन कैन नॉट बी मेजर क्वान्टिटेटिवलीस हाउ कैन बी मेजर मार्शल साहब आपको कौन समझाए ऑर्डिनल कॉन्प्ट का मतलब मैंने लिख रखा है ऑर्डर प्रेफरेंसेस ऑर्डर प्रेफरेंसेस का मतलब है रैंकिंग देना फुल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द रिलिवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच ही लिव्स ये भैया मार्शल अगर मैं ए को प्रेफर करता हूँ बी से तो मैं क्वान्टिटेटिवली नहीं बता पाऊंगा कितना क्वान्टिटेटिवली मैं प्रेफर कर रहा हूँ कंज्यूमर्स चॉइस और अज्यूम टू बी ट्रांजिटिव इफ द कंज्यूमर प्रेफर्स कॉम्बिनेशन ए टू बी एंड बी टू सी

तो भैया एक बात बताओ रैशनल कस्टमर किसको चूज करेगा पांच डोसा और दो गुलाब जामुन को चूज करेगा या चार डोसा और एक गुलाब जामुन को चूज करेगा इफ कॉम्बिनेशन ए हैज मोर कमोडिटीज कॉम्बिनेशन बी देन ए मस्ट बी प्रेफर टू बी एंड इन डिफरेंस कर्व इज कर्व विच रिप्रेजेंट्स ऑल दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर

या मेरे को तुम भाई चार पीस ये दे तो और चार पीस ये दे तो अलग अलग कॉम्बिनेशन मेरे को तुम दोनों में से कुछ भी दे दे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आइदर यू गिव मी ऑप्शन वन और यू गिव मी ऑप्शन टू बट ऑप्शन वन में पांच पीस आइटम ए एंड तीन पीस आइटम बी और ऑप्शन बी में चार पीस ये और चार पीस ये ठीक है तो आई एम इक्वली हैप्पी इक्वली हैप्पी मतलब कहीं मलाल नहीं है इन डिफरेंट इन अदर वर्ड ऑल द कॉम्बिनेशन प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन द कंज्यूमर प्रेफर सबसे अच्छा बात है प्रेफर्स इक्वली अच्छा वर्ड एंड डज नॉट माइंड विच कॉम्बिनेशन ही गेट्स अगर भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा है और अगर सबका टोटल वैल्यू लेट से अगर 50 करोड़ आ रहा है कॉम्बिनेशन अलग अलग है कुछ भी कॉम्बिनेशन कर लो बट समझ लो उस कॉम्बिनेशन का नेट टोटल अगर हम लोग कहीं से भी कर लें तो 50 करोड़ आ रहा है तो भैया ये बंडल दे या ये बंडल दे या तीसरा ऑप्शन दे या चौथा ऑप्शन दे कुल मिला के उसका नेट मॉनेटरी वैल्यू अगर पचास करोड़ है तब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बट अगर इस बंडल का पचास करोड़ और इस बंडल का इक्यावन करोड़ और इस बंडल का पचपन करोड़ तब तो मैं भाई पचपन करोड़ वाले को चूज करूंगा राइट right? बट अगर सब का सब मेरे को लगेगा एक ही है ऑप्शन कुछ भी हो इफ अ कंज्यूमर इक्वली प्रेफर्स टू प्रोडक्ट बंडल्स इक्वली प्रेफर्स ठीक है ध्यान दीजिएगा दो प्रोडक्ट बंडल्स को हम इक्वली प्रेफर कर रहे हैं देन द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन द टू बंडल्स एंड इनडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड आइसो यूटिलिटी कर्व ध्यान दीजिएगा आईसो यूटिलिटी करव और इक्वल यूटिलिटी कर्व ये सब आपके एमसीक्यू के फेवरेट क्वेश्चन है आईसो यूटिलिटी कर्व इक्वल यूटिलिटी करव और प्रपाउंडेड बाय हिक्स एन एलन टू अंडरस्टैंड द इन डिफरेंस कर्व लेट कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ अ कंज्यूमर हुन यूनिट ऑफ फूड एंड ट्वेल्व यूनिट ऑफ क्लोदिंग मैं एक वक्त का खाना या एक यूनिट ऑफ फूड अब ये एक यूनिट ऑफ फूड तो समझ लो ब्रेकफास्ट में खाया मैं खत्म हो गया राइट right? तो so, एक वक्त का खाना है मेरे पास वन यूनिट ऑफ फूड इज देयर विद मी एंडा ट्वेल्व क्लोज आई कि दोस्त मेरे को दो वक्त का खाना मिल रहा है टू यूनिट ऑफ फूड तो अगर मेरा सेटिस्फैक्शन का एक लेवल है लेट्स से वी मेक अ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लेट्स से इफ दिस इज पॉइंट जीरो और मैं अपना सेटिस्फैक्शन जब मेरे पास एक वक्त का खाना था तो यहाँ पर था तो दोस्त जैसे ही मेरे को दूसरा वक्त का खाना मिलेगा तो क्या आपको नहीं लगता कि मेरा सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेगा मेरा ग्राफ बढ़ेगा यहाँ तक था मेरा एक वक्त का सेटिस्फैक्शन जब मेरे को एक यूनिट ऑफ फूड मिल रहा था अब यह एक से जब दो हो जाए तो कोर्स मेरा ये थोड़ा सा तो और ऊपर जाएगा राइट right? बट दोस्त अपने को यह बोला गया कि ऑप्शन वन हो या ऑप्शन टू हो बराबर होने मांगता इनडिफरेंट होने मांगता तो दोस्त फूड एक से दो हो जाए तो यार कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन तो बढ़ गया अब अगर दो यूनिट फूड हो और बारह यूनिट क्लोथिंग हो तो डेफिनेटली ये ऑप्शन जो है ऑप्शन टू जो है this option is definitely better option than option 1 any doubts but hume indifference curve banana hai dost indifference curve in difference aur indifference curve mein option 1 and option 2 dono ko barabar rakhna hai agar yahan 1 unit of food ho aur yahan 12 unit of cloth aur yahan 2 unit of food aur 12 unit of clothes हो तो of course any time कोई भी व्यक्ति ऑप्शन बी को चूज करेगा कोई भी व्यक्ति ऑप्शन बी को चूज करेगा या ऑप्शन टू को चूज करेगा बट अपने को काम ऐसा करना है कि इनडिफरेंट होना चाहिए तो भैया अगर फूड मेरे को एक के जगह दो मिल जाए फूड मेरे को अगर एक के जगह दो मिल जाए तो भैया काम करो जो क्लोथ जो तुम मेरे को बारह दे रहे हो वो कुछ कम दे दो अगर फूड बढ़ा रहे हो तो क्लोथ घटा दो एक तो ये कार्डिनली नंबरिंग के हिसाब से हम लोग जज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो मार्शल का काम था अपने सीधा सीधी ऑप्शन में बात कर रहे हैं दोस्त तो ऑप्शन में ये है कि भैया एक ऑप्शन एक फूड एंड बारह क्लोदिंग और दूसरा ऑप्शन है तुमको मैं दो यूनिट ऑफ फूड दे रहा हूँ तो तुम खुद बता जिसको एक से दो फूड मिल रहा है वो खुद बताएगा कि एक एक्स्ट्रा यूनिट एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फूड को प्राप्त करने के लिए एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फूड को प्राप्त करने के लिए वो कितना यूनिट ऑफ क्लोदिंग कुर्बान करने के लिए रेडी है हंसते हंसते तो भैया वो जितना भी यूनिट को कुर्बान करने के लिए रेडी है उतना ही वैल्यू हो गया फूड का ठीक है आइए पढ़ते सपोज द कंज्यूमर सेज दैट ही इज रेडी टू गिव अप सिक्स यूनिट्स ऑफ क्लोदिंग टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड इसका मतलब क्या है दो यूनिट ऑफ फूड दे दो और सिक्स यूनिट ऑफ क्लोदिंग मेरे से ले लो तो भी मैं खुश हूं अगर मेरे को एक यूनिट फूड दे रहे हो तो मेरे को बारह यूनिट क्लोथ चाहिए और अगर तुम मेरे को दो यूनिट फूड दे रहे हो तो भैया मेरे को छह यूनिट क्लोथ मैं छह यूनिट क्लोथ कुर्बान दे दिया तो एक और कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन तो एम आर एस यहां लिखो या चलो इसको इस साइड लिख लेते हैं दोस्त एम आर एस तो एक एडिशनल यूनिट ऑफ फूड लेने के लिए आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस सिक्स यूनिट्स ऑफ क्लोदिंग ठीक है जी वी विल हैव देन टू कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एंड क्लोदिंग गिविंग इक्वल सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर अभी दो ऑप्शन है अपने पास कोई डाउट नहीं जी कोई डाउट नहीं है ऑप्शन वन ऑप्शन टू ऑप्शन वन में ये है ऑप्शन टू में ये है ठीक है और दोनों ही अपने लिए बराबर है इनडिफरेंट शेड्यूल बोलते हैं इसको ऑप्शन में पहला अपने को पता था कि एक फूड और बारह क्लोदिंग दूसरा ऑप्शन में एक यूनिट ऑफ फूड को बढ़ा के दो यूनिट कर दिया गया तो भाई साहब बारह से क्लोथिंग में आ गए मतलब ही वॉज रेडी टू गिव अवे सिक्स क्लोदिंग तीन वक्त का खाना हो जाएगा दोस्त डिनर भी मिल रहा है क्या बात है डिनर भी मिल रहा है डिनर भी मिल रहा है तो चलो ठीक है अब मैं दो कपड़े और देने के लिए रेडी हूं पहले वो छह कपड़ा देने के लिए रेडी था दोस्त क्योंकि तो एक वक्त से दो वक्त का खाना वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उस समय तो यार सिर्फ ब्रेकफास्ट और सारा दिन भूखा रहूंगा कैसे चलेगा तो छह जोड़ी कपड़ा ले लो या सिक्स सिक्स टेक यारिक्स अब दो वक्त का खाना खा के ही सेटिस्फाइड अब दो से तीसरा वक्त में पहुंचने के लिए ही इज ओके यार देना चल ठीक है यार जल्द दो कपड़ा मेरा और ले लें तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन जहां छह था अब सिक्स से दो आ गया अब तीन वक्त का खाना खा लिया यार अब उसको बोला जा रहा है यार एक वक्त का खाना और लेगा बोला नहीं नहीं यार अब रहोड़ दे एक वक्त का खाना और ले ले भाई और नहीं यार नहीं चाहिए तो तुम सोचो उसको बोला जा रहा है देखो एक वक्त का खाना ऐड करने के लिए एक ज़माने में तुमने छह कपड़ा का कुर्बानी दिया था फिर एक वक्त का और खाना ऐड करने के लिए तुमने दो कपड़े का कुर्बानी दिया था चल मैं तेरा एक वक्त का खाना और ऐड करता हूँ सिर्फ एक कपड़े का कुर्बानी देगा सिर्फ एक कपड़े में एक वक्त का खाना इट इज़ मेकिंग सेंस टू हिम है यार ये तीन चार जोड़ी कपड़ा लेकर क्या करूंगा मैं अगर एक वक्त का खाना और अच्छा डेजर्ट मिल जाए आई एम रेडी आई एम हैप्पी टू इज इक्वली हैप्पी चलो चार वक्त का खाना और तीन जोड़ी कपड़ा कम से कम यार भरपेट खा रहे हैं तीन जोड़ी कपड़ा काम चलेगा तो ही इज रेडी टू फोर गो वन मोर यूनिट तो दिस इज द एंटायर सिचुएशन और इस पूरे शेड्यूल को कहते हैं इन डिफरेंट शेड्यूल बात को समझिए अगर मैं आपको बोलूं कि चलो रैंक करो अगर मैं आपको बोलूं कि चलो रैंक करो तो कौन सा फर्स्ट है ये फर्स्ट ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ नहीं जी गलत हो जाएगा इन डिफरेंस का मतलब ये है कि सबका सब फर्स्ट सब है कोई भी सेकंड नहीं है इसमें एवरीबडी इज फर्स्ट इन डिफरेंट हूं मैं चाहे मेरे को ये एक वन प्लस ट्वेल्व दो या टू प्लस सिक्स दो या थ्री प्लस फोर दो या फोर प्लस थ्री दो मेरे लिए चारों कॉम्बिनेशन एक जैसे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसे ही कहते हैं इंडिफरेंस कर्व पहला ऑप्शन में अपने पास एक यूनिट फूड था और बारह यूनिट क्लोदिंग था तो दिस वॉज आवर फर्स्ट दूसरे ऑप्शन में दो यूनिट फूड एंड सिक्स यूनिट ऑफ क्लोथ। सो दिस वॉज आवर सेकेंड तीसरे यूनिट में तीन यूनिट ऑफ फूड तो चार यूनिट ऑफ कपड़ा और चार यूनिट ऑफ फूड और तीन यूनिट ऑफ कपड़ा तो ये चार पॉइंट को जैसे हम लोग ऐड करते हैं तो दोस्त ये बन जाता है कर्व ये जो कर्व है इसकी महिमा को समझिएगा ये कर्व जो है इनडिफरेंस कर्व है ये महिमा आज आपको समझ लेना है ये कर्व का मतलब है कि मैं इनडिफरेंट हूं मेरे को बराबर वाला सेटिस्फेक्शन है कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो तो अगर इस ऐसे कर्व में दोस्त अगर हम एक इस जगह पे एक बिंदु खींचे तो कहीं ना कहीं जैसे पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी ये तो चार कॉम्बिनेशन अभी हमने देखा ही है ये चार कॉम्बिनेशन क्या था ये चार कॉम्बिनेशन ये थे अब मैंने एक पांचवा कॉम्बिनेशन खुद से सामने वाले से पूछा नहीं बस मैंने इस कर्व में एक पांचवा बिंदु डाल दिया एक कॉम्बिनेशन तो पता है दोस्त क्या होता है जैसे मैंने ये पांचवा डाला है तो इससे यह पता चलता है कि इस कॉम्बिनेशन में क्लोदिंग आठ है ठीक है तो आइए हम लिखते हैं ऑप्शन ई कहीं ना कहीं वन पॉइंट टू फाइव या वन पॉइंट चलो सिंपलिसिटी के लिए वन पॉइंट फाइव समझ लेते हैं तो यह एक ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि जहां पर क्लोद मिलेगा आपको आठ और फूड मिल रहेगा आपको 1.5 तो ये एक नया ऑप्शन हमने क्रिएट कर लिया इन डिफरेंस कर्व में एक नया पॉइंट हमने डाला तो ऑप्शन ए बी सी डी तो था ही हमारे पास इसका मतलब अगर हम उस बच्चे को बोले कि भाई हम तुमको 1.5 फूड देंगे और आठ क्लोथिंग देंगे तो ये ऑप्शन भी फर्स्ट आएगा क्यों आएगा क्योंकि ये ऑप्शन हमने और कहीं से नहीं लिया है इन डिफरेंस कर्व से लिया है तो अगर हम एक और बिंदु खींचे कहीं पर लेट से अब हम एक और बिंदु ले रहे हैं यहां पर ठीक है तो ये कहीं ना कहीं आ रहा है समझ लीजिए फाइव पर तो क्लोदिंग हो गया है फाइव और इसको अगर हम नीचे ले तो ये इमेजिन करो ये टू पॉइंट फाइव तो क्लोदिंग है फाइव क्लोदिंग है फाइव और ये है टू पॉइंट फाइव तो एक और ऑप्शन हमने निकाल लिया कि अगर टू पॉइंट फाइव फूड मिले और पांच कपड़े मिले तो भी मैं बराबर का सेटिस्फाइड हूँ तो कहने का मतलब यह है कि इन कर्व में कहीं पर भी अगर आप एक पॉइंट खींचते हो जैसे अगर हमने यहाँ पर पॉइंट लिया तो खाना आया ये फूड आया सॉरी क्लोदिंग आया दस और फूड होगा वन सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्यों हम लोग इकोनॉमिक्स में ग्राफ और कर्व का मदद लेते हैं ठीक है अब आइए पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट क्या कहना चाह रहा हमें एंड इन डिफरेंस मैप रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ मैनी इन डिफरेंस कर्व इन डिफरेंस मैप मतलब ये है बहुत सारे इन डिफरेंस कर्व तो एक दो तीन ठीक है वेर ईच कर्व रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन शॉर्ट अ सेट ऑफ इन डिफरेंस कर्स इज कॉल्ड एन इन डिफरेंस मैप तो ये है इन डिफरेंस मैप ठीक है अलग अलग कर्व है तो एक बात बताओ इस कर्व में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन है वही जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था शिफ्ट इन द कर्व ठीक है तो आप हमेशा कौन से कर्व में सेटिस्फाइड रहना चाहोगे कोर्स हम लोग तो भाई मैक्सिमम इधर आना चाहेंगे बट देखो दोस्त सेटिस्फैक्शन तो हमेशा हम लोग मैक्सिमम चाहेंगे बट हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहाँ जाता है बजट का पैसा सेटिस्फैक्शन ज्यादा सेटिस्फैक्शन के लिए इस लाइन में आने के लिए तो आपका क्वांटिटी बढ़ेगा ना जितने भी इंडिफरेंस मैप का जो हम बात कर रहे हैं जितने भी कर्व्स का हम बात कर रहे हैं देखो ये कर्व, ये कर्व और ये कर्व में क्वांटिटी तो बढ़ रहा है ना दोस्त से ये कर्व वन है ये कर्व टू है ये कर्व थ्री है तो कर्व थ्री में रहने के लिए ज्यादा क्वांटिटी का दरकार है और ज़्यादा क्वांटिटी के लिए ज़्यादा पैसा का दरकार है और बजट अगर नहीं है तो क्या होगा तो आइए उसको भी चर्चा करना है कि कैसे हम अपने ही बजट में कौन सा एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करें कि हमारा बजट का भी ध्यान रखा जाए और हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में पहुँच जाए क्योंकि हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी में भी ये डिस्कस किए थे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन याद है तो हिक्स एंड एलन भी हमें बता रहा है कि अपने पास मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर कैसे पहुंचे अलग अलग कॉम्बिनेशन है अलग अलग कर्व्स है तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे कंज्यूमर को लेकर जाना है यही हमारा उद्देश्य है तो आइए देखते हैं हिक्स एंड एलन एंड मार्जिनल यूटिलिटी एकदम दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है तो डोंट ट्राई टू मिक्सअप एंड इन डिफरेंस मैप

एंड फाइव एक्स बट ये तीनों कॉम्बिनेशन जो है ये तीनों अलग अलग इन डिफरेंस कर्व में है मेरे दोस्त सेम इन डिफरेंस कर्व में नहीं है बात को ध्यान दीजिएगा ठीक है तो सेम इन डिफरेंस कर्व में होता तो बात कुछ और होता ये अलग अलग कर्व में है. तो बेटा इस कर्व में अगर हम बात करें कर्व वन का बात करें तो यहाँ तुम अलग एक ये कॉम्बिनेशन है एक ये कॉम्बिनेशन है या एक ये कॉम्बिनेशन है तो इस कर्व में ये तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बट इफ यू कंपेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व वन वर्सेस कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व टू क्या ये सेम होगा नहीं क्योंकि कर्व टू तो ऑलरेडी तो एक हायर लेवल पे है तो प्लीज समझिएगा तो ये गलती नहीं करना अपने को ठीक है ही सर्टनली प्रिफर्स द कॉम्बिनेशन ऑन द हायर इन डिफरेंस कर्व टू द कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन अ लोअर इन डिफरेंस कर्व भाई कोई भी व्यक्ति कर्व वन में रहना चाहेगा टू में रहना चाहेगा या थ्री में रहना चाहेगा या चलो अगर और आगे जाए तो फोर पे रहना चाहेगा भाई हर आदमी चाहेगा कि उसका कर्व मैक्सिमम रहे राइट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में रहे बिकॉज अ हायर इन डिफरेंस कर्व सिग्निफाइज अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दस ब्बिनेशन ऑफ आई सी वन गिव हिम द सेम सेफैक्शन ऑल कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन आई सी टू गिव हिम ग्रेटर सेटिस्फैक्शन दो लाइंग ऑन आईसी वन क्या आप ये समझ पा रहे हो देखो समझाने के लिए मैं एक बार सिर्फ क्वान्टिफाई कर रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए अगर समझ लो कि भैया इस कर्व में मेरे को पांच हजार पॉइंट का सेटिस्फैक्शन है इस कर्व में मेरे को साढ़े सात हज़ार पॉइंट का सेटिस्फैक्शन है और इस कर्व में मेरे को दस हजार पॉइंट का सेटिस्फैक्शन है अब इस कर्व में मेरे को कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो चाहे तुम मेरे को कॉम्बिनेशन ये दे दो या मेरे को कॉम्बिनेशन ये दे दो या मेरे को कॉम्बिनेशन ये दे दो जो भी कॉम्बिनेशन दोगे सेटिस्फैक्शन तो भैया पाँच हजार का ही मिलेगा कोई शक अब अगर मेरे को दूसरा कोई कॉम्बिनेशन चाहिए अब अगर इस ग्राफ में मेरे को भैया ये दे दो या मेरे को ये दे दो या आप मेरे को ये पॉइंट का दे दो जैसे रेड वाला जो है साढ़े सात हजार का सेटिस्फेक्शन मिलेगा यू गिव मी दिस कॉम्बिनेशन यू गिव मी दिस कॉम्बिनेशन लाइन टेड आ रहा है ठीक है क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ये अलग अलग पॉइंट्स है ना अगर अपने नंबर डाल देंगे तो अपने को पता चल जाएगा तो भाई कहने का मतलब यह है कि आई सी वन वर्सेस आई सी टू वर्सेज आई सी थ्री भैया बताइए किस में रहना चाहेंगे आप भैया मैं तो आई थ्री में रहना चाहूँगा आप सब आई थ्री में रहना चाहोगे क्योंकि आई थ्री में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है एक यूनिट ऑफ फूड बारह यूनिट ऑफ क्लोदिंग एक से अगर मैं दो यूनिट में पहुँचता हूँ तो मैं छः यूनिट को देने के लिए रेडी हूँ दो से मैं तीन में पहुँचता हूँ तो मैं दो यूनिट को देने के लिए रेडी हूँ तीन से चार में पहुँचता हूँ तो मैं एक यूनिट को देने के लिए रेडी हूँ इस सिचुएशन को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक यूनिट एक्स बारह यूनिट वाई तो एक यूनिट प्लस हुआ प्लस एक्स का कितना हुआ एक यूनिट प्लस हुआ और वाई का लॉस कितना हुआ यूनिट का लॉस हुआ तो एक यूनिट प्लस करने के लिए लॉस कितना यूनिट का हुआ छह यूनिट का वापस दो से तीन करने के लिए एक यूनिट प्लस होगा एक्स का वापस कितना लॉस होगा यह छह से चार पे पहुंच गया 6 से फोर पे पहुंच गया तो दो यूनिट का लॉस हुआ तो उसे कहते हैं एमआरएस इन सच अ मैनर दैट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेंस द सेम ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि चेंज भी अगर हो रहा है तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल बदल नहीं रहा है सेटिस्फैक्शन लेवल वही का वही है द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू MUx डिवाइडेड बाय MUy we notice that mrs. is falling. as the consumer has more and more units of food, he is prepared to give up less and less units of clothing. there are two reasons for this. the want for particular good is satiable, so that when a consumer has more of it, his intensity of want for it decreases. thus, in our example, when consumer has more unit of food, his intensity of desire